on to the next topic, that is economics, chapter 1, development. You all have studied economics in class 9, right from the story of village Palampur to food security and sectors of economy. So now here we will discuss the first topic, development. Today, as this part, I have written some of the topics so that you may understand it very clearly. The topic development. It is a growth factor, actually, a factor of growth. See, development is a factor which every individual thinks of. हम सभी व्यक्तिगत तौर पे अपने अपने लेवल पे डेवलपमेंट को सोचते हैं इंडिविजुअली भी. यहाँ ओवरऑल कंट्री के डेवलपमेंट की भी बात हो रही है, चूंकि इस चैप्टर में फाइनेंस से रिलेटेड है, तो यहाँ कंट्री के ग्रोथ की भी बात हो रही है और मेनली कंट्री के ही ग्रोथ की बात हो रही है. तो सबसे पहली चीज की थोड़ा सा डेफिनेशन वाइज टॉपिक को क्लियर करना सबसे पहले बहुत जरूरी है, उसके बाद हम एक एक टॉपिक पे लेटर ऑन विल मूव ऑन. सो डेवलपमेंट अप्लाइज टू ऑल अराउंड डेवलपमेंट ऑफ कंट्री. एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि वी आर टॉकिंग हियर अबाउट द कंट्री, पूरे देश की बात कर रहे हैं, और ऑलराउंड डेवलपमेंट. ऐसा नहीं कि किसी पर्टिकुलर एक क्षेत्र में ही. द सोसाइटी हैज वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट. हमारे पास समाज में बहुत सारे एस्पेक्ट्स हमारे दिमाग में होते हैं, जैसे फ्रीडम, कि हम स्वतंत्र रहें, ये हमारे लिए भी एक डेवलपमेंट है. पार्टिसिपेटिव इन्वॉल्वमेंट, कि हमारी इन्वॉल्वमेंट हर जगह हो, हम पार्टिसिपेट कर सकें, जैसे इलेक्शन ही हैं, अगर सभी को अधिकार मिले हैं, सभी उसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं से ये हमारी पार्टिसिपेटिव इन्वॉल्वमेंट है. देन वी हैव इकोनॉमिक इक्वालिटी, सभी को आर्थिक समानता, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिले जहाँ पे हम सभी इस लायक हों, या हमें अपॉर्चुनिटीज मिले कि हम किसी भी पोस्ट, किसी भी पद पर हम पहुँच सकें और हम अपनी इकोनॉमिक वेलबींग को अपने लेवल पे बढ़ा सकें, अपग्रेड कर सकें. देन वी हैव सिक्योरिटी. ऑब्वियसली सिक्योरिटी इज द फॉरमोस्ट पार्ट ऑफ डेवलपमेंट, कि हम सुरक्षित रह सकें. एंड लाइफ विद डिग्निटी, कि हम मान सम्मान, अपने आत्मसम्मान को बना के हम डेवलपमेंट, तब हम मानेंगे कि हाँ ये विकास हो रहा है या ग्रोथ है. डेवलपमेंट जो है, ये पूरा जो बात आपको मैंने बताई, कि चाहे वो स्वतंत्रता की बात हो, फ्रीडम हो, पार्टिसिपेटिव इन्वॉल्वमेंट हो, या इकोनॉमिक इक्वालिटी हो, मीन्स जो ऑलराउंड डेवलपमेंट जिसकी बात हो रही थी, वो ऑलराउंड डेवलपमेंट आखिर अचीव कैसे होगा, हाउ इट विल बी अचीव्ड, हाउ विल गेट दैट डेवलपमेंट, जो फैक्टर्स ग्रोथ के थे. तो दैट डेवलपमेंट मीन्स कि हम कैसी थिंकिंग करें कि ये जो एस्पेक्ट्स हैं जिनको हमें पाना है, ये एस्पेक्ट्स जो ऊपर हमने एस्पेक्ट्स लिखे हैं, तो प्लानिंग फॉर द वे, कि हम उसके लिए किस तरह से प्लान करें थ्रू विच दीज डिजायर्स कैन बी फुलफिल्ड. इसके लिए जो प्लानिंग हम करते हैं, वो हमारी डेवलपमेंट को कहीं ना कहीं पाने में हमारी मदद करती है. अब इसमें डेवलपमेंट को समझने के बाद सबसे पहली चीज तो आपको मैं ये बता दूं कि डेवलपमेंट, डिफरेंट पीपल्स हैव डिफरेंट गोल्स ऑफ डेवलपमेंट. डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल्स. सबके डेवलपमेंट का एस्पेक्ट एक नहीं हो सकता कभी भी. अब फॉर एग्जाम्पल, एक जो गर्ल है वो ये एक्सपेक्ट करेगी कि उसे और फ्रीडम और इक्वालिटी उसके ब्रदर के तरह मिले. डेवलपमेंट जो एक फार्मर है वो चाहेगा कि उसकी जो क्रॉप्स हैं वो हायर प्राइस उसकी उसको मिले. तो सबके डेवलपमेंट गोल्स अलग है. अच्छा, सबसे बड़ा क्राइटेरिया तो ये है कि कई बार एक के लिए जो डेवलपमेंट है वो दूसरे के लिए डेवलपमेंट नहीं हो सकता, यहां तक कि डेवलपमेंट तो नहीं हो सकता, इनफैक्ट कंफ्लिक्टिंग हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर एक डैम बन रहा है, तो अगर डैम बन रहा है तो ऑब्वियसली आप सब जानते हैं कि जिसको हम लोग मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट कहते हैं, जैसा आपने ज्योग्राफी में नाइन्थ में भी पढ़ा होगा या प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा डैम्स के बारे में, तो ये जो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स हैं, ऑब्वियसली दे आर सर्विंग मोर देन वन पर्पज. बहुत अच्छी बात है, ये हमारे लिए इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन कर रहे हैं, इरीगेशन में बहुत ज्यादा काम आते हैं ये डैम्स जो है. तो एक तरफ तो ये डेवलपमेंट है, ये हम सबके लिए डेवलपमेंट है, लेकिन ये उन लोगों के लिए डेवलपमेंट नहीं होगा जो लोकल कम्युनिटीज थी जो उस जगह पर रह रही थी, क्योंकि उस पूरे एरिया को सबमर्ज करना पड़ेगा एंड द पीपल विल हैव टू बी डिस्प्लेस्ड फ्रॉम देयर. उनको वहां से विस्थापित कर दिया जाएगा. अब रिहैबिलिटेट करना है, उनको पुनर्स्थापित करना है, वो एक अलग का फैक्टर. तो जिस जो व्यक्ति वहां से डिस्प्लेस हुआ,
उसके लिए वो डेवलपमेंट नहीं थी उस मोमेंट के लिए। तो आप इस तरीके से मेरे घर के सामने मैरिज हाउस खुल गया, आप एक सिंपल सा एग्जांपल देख लो ना, जिन्होंने मैरिज हाउस खोला उनके लिए बहुत अच्छी डेवलपमेंट है, जिसके आगे शादी ब्याह हो रही है उनके लिए भी बहुत अच्छी बात है, वो दे ऑल आर हैप्पी कि एक बहुत अच्छी जगह मिल गई, रिजनेबल प्राइस पर मिल गई और वो वहां पे फंक्शंस अपने अटेंड कर सकते हैं। मैं परेशान रहूंगा क्योंकि मेरे घर के सामने रोज डीजे बजेगा रात 12 बजे तक, मैं परेशान रहूंगा, या आप स्वयं होकर तो आप भी ये प्रॉब्लम्स फेस करोगे। तो दैट इज नॉट डेवलपमेंट फॉर मी, दैट इज डेवलपमेंट फॉर दैट इंडिविजुअल हु हैज ओपन दैट मैरिज हाउस। तो इसका मतलब है कि अलग अलग लोगों का अलग अलग डेवलपमेंट गोल्स होता है, और दूसरी चीज की वो डेवलपमेंट गोल्स कई बार एक दूसरे से कंफ्लिक्टिंग भी हो जाता है। Now the second part is income and other goals. Now different people have different goals that we have already discussed. The development for one may not be development for others, and sometimes development for one is quite destructive to the other also. But let us see the second topic, that is income and other goals. See, income is the most important goal of development. Means आर्थिक विकास तो कहीं ना कहीं हम economics पढ़ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि हम सभी के लिए we require better wages, regular salary, regular work. Farmer requires a good price of their crops. That is, they require more income. People have a means this phenomenon of that when we are having more income, we'll be able to fulfill our needs very easily. जिस तरह से हमारी income होगी, हम उस तरीके से उतनी ही आसानी से हम अपने जीवन यापन कर सकते हैं, या जो हमारे शौक और जो जरूरतें हैं वो सभी हम पूरा कर सकते हैं। Beside income, there are other goals also that are very important. मतलब सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपने income कर ली तो सारा कुछ clear हो गया और development हो गई, ऐसा नहीं है। Besides income, there are different goals also. अब अगर हम income के अलावा की बात करें तो जैसे हम ये कह सकते हैं कि equal treatment, जो हम लोगों ने भी development के जो part था उसमें discuss किया था कि freedom, security, health जो है, या pollution free environment, that all is needed. किसी एक ऐसे environment में suppose करो कि बहुत अच्छी salary मिल रही है और आपको जाके काम करने को कहा जाए जहाँ पे आपको मालूम है कि जहाँ का या तो working atmosphere बहुत खराब है या वहाँ का weather या atmosphere बहुत खराब है, तो आप अपने स्वास्थ्य के या अपने means health conditions के risk पे जाके काम करना मेरे ख्याल से नहीं चाहेंगे। या आप ऐसे कह सकते हो कि किसी जगह salary बहुत अच्छी है और उस जगह पर आपकी अपनी कोई dignity नहीं है, तो कहीं ना कहीं से आप डिनाई करोगे। कई बार पैसा मायने नहीं रखता, कई बार ये चीजें भी उतनी इंपॉर्टेंट होती हैं आदमी के लिए कि जिस जगह वो काम कर रहा है वो मेंटल हैरेसमेंट उसका ना हो रहा हो, वो उसको समान अवसर दिए जाते हो, उसकी बराबरी समाज में उस तरह से हो कि सबके साथ वो बैठ के खा पी सकता है, और सबसे बड़ी चीज की पॉल्यूशन या एनवायरमेंट या इस तरह की चीजें भी फैक्टर होती हैं। तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि इनकम इज इंपॉर्टेंट, obviously income is the most important you can say the term of development, but beside income other goals जो मैंने आपको बताए they are also as much important for a person. कई बार आदमी इन चीजों पे भी बिल्कुल ध्यान देता है, that is income and other goals. So now national development, अभी तक हम लोगों ने individuals के बारे में बात की कि individual income को तो priority देता है, साथ ही साथ इस इनकम के एक और बहुत बड़ा फैक्टर आता है कि इनकम के साथ साथ वो अपने फ्रीडम या पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट या जो उसके रेस्पेक्ट फॉर जॉब या उसके राइट्स जहां सिक्योर हो वो सिक्योरिटी, ये भी फैक्टर्स मीन्स इनकम अदर गोल्स पे भी फोकस्ड होता है, ये ओवरऑल डेवलपमेंट होता है। लेकिन जब बात नेशनल डेवलपमेंट की आती है तो अगेन जो हम लोगों ने टॉपिक पढ़ा था डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल्स, यहाँ पे भी वो एक चीज फैक्टर आएगी सामने। मीन्स जो टीचर है सपोज करिए वो नेशनल डेवलपमेंट थिंक करेगा तो वो एक अलग पैटर्न पे थिंक करेगा, फार्मर अगर थिंक करेगा तो हिज डेवलपमेंट गोल फॉर हिज पर्टिकुलर सिस्टम, मीन्स इंडिविजुअली वो जो थिंक कर रहा है अपने लिए और नेशन के लिए, और जो टीचर थिंक कर रहा है या जो ट्रेडर थिंक कर रहा है सबकी थिंकिंग अलग हो जाएगी। ट्रेडर की थिंकिंग अलग होगी, टीचर की थिंकिंग अलग होगी, फार्मर की थिंकिंग अलग होगी, ऐसे ही डिफरेंट सेट्स ऑफ पीपल विल हैव different sets of criteria for national development. तो actually national development को में priority उस चीजों को दी जाती है that benefits a large number of people, not only a particular sector, कि जो बड़े समूह को फायदा पहुंचाए, क्योंकि यहां हम nation की बात कर रहे हैं, हम specifically एक किसी
टीचर या ट्रेडर को फायदा पहुंचाना या उनके डेवलपमेंट के हिसाब से हम पूरे देश के डेवलपमेंट नहीं तय कर सकते। तो इस केस में ऐसा कोई भी प्लानिंग, चाहे वो टीचर की ही प्लानिंग हो, चाहे वो ट्रेडर की ही प्लानिंग हो, या वो फार्मर की ही प्लानिंग हो, मे बी वो सभी हो सकते हैं, या उनके कंबाइंड एफर्ट्स हो, जो बेनिफिट पहुंचाए एक लार्ज सेक्शन ऑफ पीपल को, एक बड़े समूह को जो फायदा पहुंचाए, ऐसी कोई भी प्लानिंग नेशनल प्लानिंग में, या आप ऐसे कह सकते हो नेशनल डेवलपमेंट की प्लानिंग में कंसिडर की जाती है। कंपैरिजन ऑफ कंट्रीज, अब जैसे हम लोगों ने अभी अपने पर्टिकुलर एक कंट्री की बात की, अब कंट्रीज में भी कंपैरिजन है। सी ऑल द कंट्रीज आर नॉट सिमिलर इन द फैक्टर ऑफ इकोनॉमी, अलग अलग कंट्रीज की अलग अलग इकोनॉमिक लेवल्स हैं उनके कंडीशन के हिसाब से, और उसी हिसाब से उनको कैटेगराइज कर दिया जाता है पूरे वर्ल्ड में। जैसे जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, डेवलपिंग कंट्रीज हैं, और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं। अब जैसे यूएसए, यूके, जापान जैसी कंट्रीज हैं, वो डेवलप्ड कंट्रीज हैं। अब ये डेवलप्ड कंट्रीज ऑब्वियसली वो इकोनॉमिक या नेशनल इनकम इनकी हाई है। तो जो कंट्रीज, जो ये तीन क्राइटेरिया बन के चले आते हैं हमारे, डेवलप्ड कंट्रीज और डेवलपिंग कंट्रीज, और इसके साथ साथ जो है हमारी अंडर डेवलप्ड भी हो जाती हैं इसमें, ये कंट्रीज का क्राइटेरिया हो जाता है जिस बेसिस पे हम इनके इनकम वाइज, अभी अभी जो हम क्राइटेरिया पढ़ रहे हैं ये पूरा, जैसे आपका अगला टॉपिक है कंपैरिजन थ्रू पर कैपिटा इनकम, कंपैरिजन ऑफ कंट्रीज हैं ये, और इसी में एक टॉपिक आप ये साथ ही साथ देख लीजिए, कंपैरिजन थ्रू पर कैपिटा इनकम। क्योंकि यहां पे जैसे यूएसए, यूके, जो आपके मैं आपको एग्जांपल दे रहा था, जैसे डेवलपिंग डेवलप्ड कंट्रीज में या बांग्लादेश या इस तरह की अपनी कंट्रीज हैं, ये आपको डेवलपिंग कंट्रीज में मैं दे रहा था, तो ये तो एक फैक्टर हुआ ही हुआ। नेशनल इनकम, एक्चुअली यहाँ पे नेशनल इनकम पहले तो कंपैरिजन होता था नेशनल इनकम से, तो नेशनल इनकम बहुत प्रॉम्प्ट नहीं माना गया। उसके पीछे रीजन ये था कि अलग अलग कंट्रीज की अलग अलग पॉपुलेशन होती है, तो जब एक लेवल की पॉपुलेशन ही नहीं होगी तो हम कंपेयर कैसे करेंगे। इसलिए जो दूसरा क्राइटेरिया अपनाया, वो था पर कैपिटा इनकम का। पर कैपिटा इनकम जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम है, चूंकि आपको समझाने के लिए पीसीआई कर सकता हूं, दैट इज पीसीआई, दैट इज पर कैपिटा इनकम, शॉर्ट फॉर्म ऑफ दैट। तो पीसीआई इज इक्वल टू, हाउ टू फाइंड आउट दिस पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय जो देश की है, जिस आधार पे वर्ल्ड बैंक कैटेगराइज करता है कंट्रीज को। तो ये जो पर कैपिटा इनकम है, ये हमारी पर कैपिटा इनकम हो जाती है टोटल नेशनल इनकम, मींस अर्न बाय ऑल, अपॉन द टोटल पॉपुलेशन। माने जो पर कैपिटा इनकम है, प्रति व्यक्ति आय है, वो कुल इनकम जो देश की है, टोटल नेशनल इनकम, उसमें देश की कुल जनसंख्या के जब हम डिवाइड कर देते हैं तो हमारा पर कैपिटा इनकम आ जाता है। इसको हम लोग एवरेज इनकम भी बोलते हैं, एवरेज इनकम भी बोलते हैं। और इसका डेटा हमेशा, एक चीज और आपको ध्यान रखना है कि एनुअली ही निकाला जाता है। जनरली जो फिगर्स आप कभी अगर देखते हो बुक्स में या डेटा में, तो आप ये जरूर ध्यान रखिएगा कि दैट डेटा इज प्रोवाइडेड एनुअली, वो वार्षिक होता है, एनुअल होता है। अब अगर हम बात करें तो बहुत प्रॉम्प्ट, तो खैर इसको भी नहीं माना गया क्योंकि अभी हम लोग यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट पे आएंगे, इसके बाद जो टॉपिक्स हैं उनमें हम यूनाइटेड नेशंस पे आएंगे। ये पर कैपिटा इनकम हो गई। बहुत से जगह पर ऐसा है कि जहां पर जो कुछ वर्ग है वो बहुत ज्यादा पैसा अर्न कर रहा है और बाकी लोग, आप इस बेसिस पे आप ये नहीं कह सकते कि जो प्रति व्यक्ति आय निकली, जो एवरेज इनकम निकली, वो सबकी इनकम इतनी है। आप सऊदी अरेबिया का एग्जाम्पल देख लीजिए कि कुछ वर्ग ही ऐसे हैं जो जिनके पास बहुत सी संपत्ति है और जो बहुत सारा इनकम करते हैं। मींस कंट्री की टोटल इनकम में सऊदी अरेबिया में, अगर हम एक एग्जांपल ले लें आपको मैं बताऊं, तो नाइन्टी परसेंट
90% ऑफ टोटल इनकम, ये शेयर है बाय सम रिच कम्युनिटीज, चाहे वो उनके रॉयल फैमिली के लोग हो या जो बड़े बिजनेसमैन हो। तो ये क्या दिखाता है, ये डेटा प्रूव क्या किया कि अगर कुछ पर्टिकुलर ग्रुप, कुछ विशेष समूह के लोग, चाहे वो वहां के राज परिवार को बिलोंग करने वाले थे या जो बहुत बड़े बिजनेस क्लास के लोग थे, वो 10% लोग जो 90% की टोटल इनकम जनरेट कर दे रहे हैं, तो पर कैपिटा इनकम तो बहुत हाई हो गया कंट्री का, उस अकॉर्डिंगली कंट्री रिच कंट्रीज या डेवलप्ड कंट्रीज में भी आने लगी। लेकिन अब आप सोचिए कि अगर सिर्फ कुछ परसेंटेज ऑफ लोग ही इतनी इनकम जनरेट करते हैं, तो इसका मतलब वाइड डिस्पैरिटी हमें समाज में देखने को मिलेगी। ऐसे बहुत से लोग होंगे जो इस स्तर से बहुत सी जरूरत की चीजों से भी वंचित हो सकता हो, या उनकी कंडीशन उस लेवल पे ना हो जैसा ये इनकम एवरेज दिखा रहा है कि प्रति व्यक्ति आय मान लो यहाँ पर दिखा रहा है कि 50,000 रुपए है पर एनम या एनुअल, और पता चले कि वो व्यक्ति और बुरी दशा में है। तो ये डेटा भी बहुत प्रॉम्प्ट यूनाइटेड नेशंस के थ्रू नहीं माना जाता है, ये जो डेटा है ये वर्ल्ड बैंक देता है। इसमें भी वर्ल्ड बैंक ने कुछ डेटा कैटेगराइज किया है, वो मैं आपको फिगर्स दे देता हूँ। वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट ऑन पर कैपिटा इनकम, नाउ दिस डेटा इज बेस्ड ऑन ईयर 2012, अकॉर्डिंग टू 2012 दैट इज। तो ये डेटा का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि एनसीईआरटी बुक्स में भी कई बार कुछ के पास पुरानी बुक होती है, तो 2004 का डेटा है जिसमें जैसे 4,53,000 को क्राइटेरिया माना गया था। यहाँ पे यूएस डॉलर्स में है, वर्ल्ड बैंक तो वैसे डॉलर्स में ही देता है जनरली। तो इसलिए डेटा के लिए एक चीज हमेशा याद रखिएगा, क्लास 10th स्टूडेंट्स, आप जब भी आंसर्स लिख रहे हो व्हाइल राइटिंग योर आंसर्स इन स्पेशली इन बोर्ड एग्जाम्स, कि आपके पास आइदर यू आर हैविंग बुक ऑफ एनी ईयर, डोंट वरी अबाउट दैट। इफ यू आर राइटिंग द डेटा, सपोज डेटा बेस्ड ऑन ईयर 2012, तो अगर आप कोई डेटा देते हो तो बगल में अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 2011, 2001, ऐसे किनारे या सेंसस है या वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है, वो ईयर जरूर मेंशन कर दिया करिए। रीसेंट डेटा खैर आपके पास तैयार हो ज़्यादा बेटर है, बट इन केस यू आर हैविंग अ ओल्ड बुक एंड यू आर जस्ट कंटिन्यूइंग विद दैट एंड आपको आंसर लिखना था, तो इस केस में ये अप्लाई आप कर सकते हो, इससे आपको बहुत बेनिफिट होगी, गलत तो एटलीस्ट नहीं होने पाएगा वो अगर आप ईयर मेंशन कर देते हो तो। खैर अब आते हैं वापस इस पे, तो ये हमारा जो डेटा है दैट इज बेस्ड ऑन ईयर 2012 वर्ल्ड बैंक की। कंट्रीज विद पर कैपिटा इनकम ऑफ यूएस डॉलर 12,616 और मोर, मींस जो भी देश ऐसे हैं जो यूएस डॉलर्स में 12,616 या उससे अधिक उनकी पर कैपिटा इनकम है पर एनम में, तो दे आर टर्म्ड एज रिच कंट्रीज, वो हमारे डेवलप्ड कंट्रीज हैं या रिच कंट्रीज हैं। और दूसरा क्राइटेरिया सीधे वर्ल्ड बैंक ने जो तैयार किया 2012 के हिसाब से, वो था हमारा कंट्रीज विद पर कैपिटा इनकम ऑफ यूएस डॉलर 1,035 और लेस, तो आर टर्म्ड एज लो इनकम कंट्रीज, वो लो इनकम कंट्रीज हो गई, डेवलपिंग या अंडर डेवलप्ड दोनों में आ जाती है वो। तो जो कंट्रीज के पास यूएस डॉलर 1,035 से कम की अगर नेशनल इनकम हो रही है पर ईयर की, पर पर्सन जो एवरेज निकाला जा रहा था, तो ऑब्वियसली वो लो इनकम कंट्रीज होगी। वेयर आवर कंट्री स्टैंड्स, अगर वही 2012 के ही डेटा को अगर हम कंसिडरेशन में लाएं, तो यहाँ हम पाएंगे कि इन ईयर 2012 इंडियाज पर कैपिटा इनकम वॉज ओनली अबाउट 1530 यूएस डॉलर पर एनम। तो अब 1530 मीन्स ये तो लो इनकम वाले से ऊपर हो गया, बट हियर इट इज नॉट अप्लाइंग ऑन दिस क्राइटेरिया ऑल्सो, 12,616 के भी आसपास नहीं है, तो इसलिए इट इज हायर देन द लो इनकम कंट्रीज डेटा, बट नॉट एज मच हायर एज टू कंपीट विद द रिच कंट्रीज डेटा। सो इंडिया कम्स इन द क्राइटेरिया ऑफ लो मिडिल इनकम कंट्रीज, लो मिडिल इनकम कंट्रीज, ये हमारा हो जाएगा लो मिडिल इनकम कंट्रीज में। तो ये पार्ट हो गया हमारा वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट जो है उसके अकॉर्डिंग कंट्रीज की कैटेगराइजेशन, जो डेटा है डॉलर्स में उसके अकॉर्डिंग है। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सो अगेन वी आर हियर टू स्टडी इकोनॉमिक्स चैप्टर 1 डेवलपमेंट, फ्यू ऑफ द टॉपिक्स
discussed. So now today we will discuss income and other criteria. Income and other criteria. So while studying income and other criteria, as you can see on the board, which is I think clearly visible to you all, I have a comparative data of Maharashtra, Kerala and Bihar of infant mortality rate of year 2012, literacy rate in percentage per 100 persons of 2011, net attendance ratio means school going children of 6-0 to 6 age, and per capita income 2012-13 in rupees. See, while comparing this data, a few other points that are necessity of other than income that will be clearly understood by you after having a comparative analysis of this data. So first of all, we can see that Maharashtra is having 25 per 1000 live births in a year, that is infant mortality rate. Then 82% is the per 100 literacy rate. Net attendance ratio 64 and 1,07,670 is the per capita income. So while comparing, see, first thing is that Maharashtra is having a high per capita income here in comparison to if we last off talking here. It means this data, comparative data on the basis of per capita income of Maharashtra and Bihar, shows that Maharashtra has better employment status in comparison to Bihar. They have better employment opportunities, industries, factories are located there. So more number of people are employed in jobs in Maharashtra in comparison to Bihar. So that is why the data means employment structure is also required for development. Industries, factories and other works are also required for the development. Then we come on to the infant mortality rate data. If we see here of Kerala, only 12 per 1000 are the infant mortality rate. So this shows that the healthcare services is quite better in Kerala in comparison to Maharashtra, or in Bihar it is quite poor, as you can see. So this indicates, this especially this data indicates that higher per capita income does not guarantee better health facility. It is not so. ऐसा नहीं है कि अगर किसी जो स्टेट में हमने प्रति व्यक्ति आय देखी महाराष्ट्र में अधिक है और केरला में वहां से कम है कंपैरेटिवली पर कैपिटा इनकम, लेकिन उसके बावजूद केरला में इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट वो लेस है. इट मींस कि उन्होंने अपने हेल्थ केयर सर्विसेज को भी उतना ही इम्पोर्टेंट लिया और उस पर काम किया और बेटर हेल्थ सर्विसेज दी. तो इसका मतलब ये निकला कि ये कोई गारंटी नहीं है कि जिसके पास अधिक इन्फेंट मॉर्टेलिटी पर कैपिटा इनकम अधिक होगा उसकी हेल्थ केयर सर्विसेज भी बेटर होंगी. इसी तरीके से नेट अटेंडेंस रेशियो में भी हम अगर देखें तो नेट अटेंडेंस रेशियो में स्कूल गोइंग चिल्ड्रन जो आउट ऑफ ऑल एज ग्रुप जो 0 टू 6 है उसमें से 78 आपके केरला में जा रहे हैं जो हाईएस्ट है, महाराष्ट्र में कम है और बिहार में सबसे कम है. तो इसका मतलब ये हम जान सकते हैं कि जो एजुकेशनल सर्विसेज है वो बहुत पुअर है बिहार में, और वो कहीं ना कहीं ये इंडिकेट करता है कि उन्होंने बेसिक स्ट्रक्चर पे बहुत काम नहीं किया है. तो दे आर लैकिंग इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन सर्विसेज ऑल्सो, इन हेल्थ सर्विसेज ऑल्सो, एज वेल एज इन जॉब अपॉर्चुनिटीज एंड एम्प्लॉयमेंट ऑल्सो. सो दिस इंडिकेट्स दैट इन स्पाइट ऑफ हैविंग अ हायर पर कैपिटा इनकम, महाराष्ट्र इज लैकिंग इन द इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट और इन द नेट अटेंडेंस रेशियो, व्हेयरएज बिहार इज कंप्लीटली लैकिंग. पॉवर्टी इज clearly visible in Bihar. So this is the comparative analysis of the data जिसके basis पे आप analyze कर सकते हो कि सिर्फ income ही, जो बात हम लोग other criteria की बात कर रहे थे इस topic में, कि सिर्फ income ही ये guarantee नहीं कर सकता है कि हमारी सारी services upgraded हो जाए या developed हो जाए. Now public facilities. Public facilities is also very much important. See, monetary development या जो more average income है
इस बेसिस पे जैसा कि हमने पिछले टॉपिक पे भी ये देखा कि हम गारंटी नहीं कर सकते कि ये डेवलपमेंट का ओवरऑल क्राइटेरिया हो सकता है. सी मनी कैन नॉट बाय ऑल द थिंग्स नीडेड फॉर योर वेलबींग. जैसे मनी कैन नॉट बाय अ पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट, ऐसा पॉसिबल नहीं है. यहाँ तक कि कोई इन्फेक्शस डिजीज है उस पर भी जब तक पूरी सोसाइटी एक प्रिवेंटिव स्टेप ना ले तब तक शायद हम उस किसी भी डिजीज से, इन्फेक्शस डिजीज से बाहर नहीं आ सकते हैं. जैसा कि आज के करेंट डेट में भी ये चीज़ें सामने आ रही है कि हम प्रिवेंटिव स्टेप्स ले रहे हैं, जब पूरी सोसाइटी इस तरह से प्रिवेंटिव स्टेप लेगी तभी जाके कहीं हम इस बीमारी से या इस डिजीज से बाहर आ सकते हैं. तो इसका मतलब ये हुआ कि पब्लिक फैसिलिटीज आर एज मच इम्पॉर्टेंट. कि पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट चाहिए तो हम सबका रोल है पब्लिक फैसिलिटीज में, या जैसे मैंने कहा इन्फेक्शस डिजीजेस हैं तो उनके लेवल पे भी ये चीज़ें आती हैं. देखिए प्राइमरी या सेकेंडरी एजुकेशन, प्रॉपर हेल्थ केयर सर्विसेज, अ पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट, ये सारी पब्लिक फैसिलिटीज कहीं ना कहीं हमें ज़रूरत है इसकी, तभी जाके हम ये कह सकते हैं कि ओवरऑल डेवलपमेंट हो रहा है. सिर्फ मॉनेटरी डेवलपमेंट या मोर एवरेज इनकम डज नॉट गारंटीज अ ओवरऑल डेवलपमेंट. नाउ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम और PDS, पब्लिक फैसिलिटीज की ही बात हम कर रहे हैं इस ड्यूरेशन में, कि अपार्ट फ्रॉम इनकम कैसे ये चीज़ें हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हैं. आप एक डेटा कंपैरेटिवली देखो, तमिलनाडु में वी हैव अ वेरी वेल फंक्शनिंग PDS सिस्टम, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम. वहाँ पे रूरल एरियाज में तमिलनाडु की अगर हम बात करें तो तमिलनाडु में 75% ऑफ द रूरल पीपल आर डिपेंडेंट ऑन दीज राशन शॉप्स फॉर द फूड ग्रेन्स और यू कैन से फॉर शुगर एंड ऑल दीज थिंग्स, बेसिक नेसेसिटीज जो है. एंड इन झारखंड द डेटा शोज दैट ओनली 8% पीपल आर इन्वॉल्व फ्रॉम दीज राशन शॉप्स. तो ये इन तक इसका मतलब है कि जो विलेजर्स तमिलनाडु में होंगे अगर ये जो गवर्नमेंट के इस सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं, अभी आपको PDS सिस्टम एक बार दोबारा मैं एक्सप्लेन कर दूंगा क्योंकि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ क्लास 10 इन इकोनॉमिक्स. इन 9th ऑल्सो यू हैव स्टडीड टू पार्ट्स ऑफ दिस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम. आई विल एक्सप्लेन इट अगेन हियर इन क्लास 10 बिकॉज इट इज पार्ट ऑफ योर सिलेबस एंड चैप्टर एज वेल. तो यहाँ पे जो डेटा पहले तो हमारे सामने आया कि तमिलनाडु में बहुत बढ़िया फंक्शनिंग है राशन शॉप्स की और झारखंड में बहुत पुअर सर्विस है. तो ये डिपेंडेंट है राशन शॉप्स पे अपने फूड ग्रेन्स के लिए, चाहे वो राइस हो, वीट हो या शुगर हो, केरोसिन हो. और झारखंड में बहुत प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, इसका मतलब है रूरल एरियाज में स्पेशली. तो दीज पीपल फॉर देयर न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट दे, अगर देखा जाए इस तमिलनाडु और झारखंड के डेटा से तो जो विलेजर्स तमिलनाडु के होंगे वो क्वाइट बेटर न्यूट्रिशनल स्टेटस में होंगे इन कंपेरिजन टू द पीपल ऑफ बिहार. So now in the PDS system, as I told you that it will be quite important for you all to know once again the PDS system. See, through this PDS system, public distribution system, first thing that government does is they create a buffer stock. Creation of buffer stock is done, means government purchases wheat and rice, mainly it is a storage of wheat and rice. They purchase it from farmers on a minimum support price through FCI, it is a government department, Food Corporation of India. It is a central government department. Through FCI, they purchase this wheat and rice at minimum support price, MSP, Nyuntam Samarthan Mulya. This minimum support price is a pre-announced price to promote at the sowing season only. उसी समय सरकार ये मूल्य तय कर देती है जिससे कि किसान थोड़ा उससे मोटिवेट हो और उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करे. तो जहाँ भी सरप्लस प्रोडक्शन होती है किसान आते हैं और डायरेक्ट गवर्नमेंट अपने इस डिपार्टमेंट के थ्रू, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के थ्रू उसकी परचेजिंग कर लेती है और ये स्टॉक गवर्नमेंट ग्रैनरीज में जाके जो FCI कंट्रोल में होते हैं या RFCs होते हैं स्टेट गवर्नमेंट में, उनके थ्रू ये आपका स्टोरेज हो जाता है बफर स्टॉक का, बफर स्टॉक क्रिएट हो गया. अब बफर स्टॉक क्रिएट होने के बाद हमारे पास दो ऑप्शंस आ जाते हैं. पहला तो जो रैशनिंग सिस्टम है जिसके बारे में, जिसके थ्रू अभी मैंने बताया कि तमिलनाडु या पूरे देश भर में फेयर प्राइस शॉप्स के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट होता है. ये जो बफर स्टॉक है ये दो काम करता है. पहला तो ये
कि एट द टाइम ऑफ कैलेमिटी, चाहे वो कैलेमिटी हो या कोई जिसको आप डिजास्टर कह सकते हो, किसी ऐसे समय पर भी हमारे पास स्टोरेज होती है और हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं इन जगहों तक जहां जिस प्रदेश में कहीं बाढ़ आ गई, कहीं और इस तरह के कोई नेचुरल डिजास्टर्स आ गए, तो उस केसेस में वहां फूड की शॉर्टेज ना होने पाए, फूड सिक्योरिटी मेंटेन रहे आप ऐसे कह लो, या फूड की सर्विसेज प्रोवाइडेड हो, इस केस में भी बफर स्टॉक काम करता है। और दूसरा, इसी बफर स्टॉक का काम, जो ये प्राइस पे बफर स्टॉक जो सरकार ने खरीदा था किसानों से, इसके बाद से सरकार उसको इशू प्राइस पे, इशू प्राइस इज एक्चुअली लेस देन मार्केट प्राइस, जिसको आप सब्सिडी कह सकते हैं, सब्सिडाइज्ड प्राइसेस। इस सब्सिडाइज्ड प्राइस पे इसके बाद से सरकार गरीबों तक ये जो अनाज है हमारा, या शुगर है या केरोसिन है, ये वहां तक पहुंचाने का काम करती है। और वो पीडीएस सिस्टम जो पूरा काम करता है, उसके बाद से इन्हीं इशू प्राइसेस पे वो दे दिया जाता है राशन शॉप्स को, जिनको हम लोग फेयर प्राइस शॉप के नाम से भी जानते हैं। इन फेयर प्राइस शॉप्स पर ये पहुंच जाता है, और जिसके पास जिस तरह का कार्ड होगा अकॉर्डिंगली, जैसे हमारे पास एपीएल कार्ड है, बीपीएल कार्ड होते हैं, तो अबव पावर्टी लाइन, बिलो पावर्टी लाइन, उस अकॉर्डिंग उसके प्राइसेस तय होते हैं। तो बहुत ही साधारण मूल्य पर इन जगहों तक जगह जगह राशन शॉप्स बना दी जाती हैं, अलॉट किया जाता है, लाइसेंस दिया जाता है लोगों को, गवर्नमेंट के स्टॉक्स इशू प्राइस पर आते हैं जो मार्केट से लेस होते हैं, और उनको इन राशन शॉप्स के माध्यम से वो अनाज पहुंचा दिया जाता है। तो ये सिस्टम है हमारे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का, पूरे जो है पीडीएस सिस्टम का। और अब आप शायद जो मैंने तमिलनाडु और झारखंड का सिस्टम बताया, कि वहाँ पे तमिलनाडु में ज़्यादा वेल फंक्शनिंग है, गवर्नमेंट ज़्यादा मेरे ख्याल से उस पर ध्यान देती होगी, जिसके वजह से प्रॉपर फंक्शनिंग में चल रहा है, और वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा जो गरीब वर्ग के लोग हैं, या जो लोग जिसको आप कह सकते हो बिलो पावर्टी लाइन वाले जो लोग हैं, वो इसका ज़्यादा फायदा उठा रहे हैं। सो नाउ बॉडी मास इंडेक्स और बीएमआई। एक्चुअली जो हम लोगों ने पढ़ा अभी तक, उसके बाद से न्यूट्रिशन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर, जैसा अभी हम लोग बात कर रहे थे पीडीएस सिस्टम के थ्रू, या जो क्लास नाइन्थ में आपने पढ़ा था 2400 कैलोरीज फॉर रूरल पीपल कंजम्पशन में ज़रूरी है डेली, और 2100 कैलोरीज अर्बन में, तो उस बेसिस पे न्यूट्रिशन इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट। अब हम सब लोग देखिए सारे टॉपिक्स वही पढ़ते चले जा रहे हैं कि इनकम के अलावा भी क्या क्या ज़रूरी है, न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशियस फूड इज ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर अस। तो इस न्यूट्रिशन पार्ट पे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में ये टर्म यूज होता है बॉडी मास इंडेक्स, और इसको फाइंड आउट करने के बाद ये क्लियर हो जाता है कि ऐसा तो नहीं कि पर्सन जो है वो अंडर नरिश्ड है, मीन्स ऐसा तो नहीं कि वो कुपोषण का शिकार है, जितना पोषण जितनी आवश्यकता जो कैलोरी हमें रिक्वायर्ड है पर डे एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए, क्या वो मिल रही है या नहीं, या वो उसका हाइट वेट क्या उसको क्लैरिफाई कर रहा है या नहीं। तो इस बेसिस पे इस बीएमआई को फाइंड आउट करने के लिए एक फॉर्मूला बनाया इकोनॉमिस्ट ने, तो बीएमआई इज इक्वल टू वेट इन केजी अपॉन हाइट इन मीटर स्क्वायर। तो अब जो कुछ भी डेटा हमारे सामने आता है इसके डिवीजन के बाद, इफ द डेटा, सपोज इफ इट कम्स बिलो 18.5, इफ द रिजल्ट इज बिलो 18.5, इट मींस दैट पर्सन इज अंडर नरिश्ड, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक, अंडर नरिश्ड मीन्स वो व्यक्ति कुपोषण का शिकार है, उसके पास जो उपलब्ध मात्रा है भोजन की वो पूरी नहीं हो रही है या नहीं मिल रही है। इफ इट इज अबव 25, इट मीन्स दैट द पर्सन इज ओवर वेट। अगर ये 25 से ऊपर आ गया इसका रिजल्ट, तो ये ओवर वेट की कैटेगरी में आ गया। तो इसका मतलब है कि जो ओवरऑल कंक्लूजन निकला इस बीएमआई का,
18.5 से लेके 25 के बीच में अगर है तो वो एक स्वस्थ व्यक्ति है, और स्वस्थ से ज्यादा सबसे बड़ी चीज की ही इज हैविंग द प्रॉपर न्यूट्रिशन अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑल्सो। एक और चीज जो आपको बता दूं इस फॉर्मूला को जानने के बाद, एक बार आप लोग अपना वेट हाइट सब निकालने लगोगे, दिस फॉर्मूला इज नॉट अप्लाइड ऑन चिल्ड्रंस, इट इज ओनली अप्लाइड ऑन एडल्ट्स जो 18 इयर्स या उससे अबव होंगे। उसके पीछे का भी रीजन जान लीजिए आप कि एक लॉजिकल रीजन है किसी भी बात का, कि अगर ये जो डेटा है वो बच्चों पे और इसलिए नहीं अप्लाई होता है क्योंकि दे आर इन ग्रोइंग एज, वो ग्रोइंग एज में है, तो डेली हमारी बॉडी कुछ ना कुछ चेंजेस लाती, कभी वेट कभी हाइट, ये इस तरह के चेंजेस हमारे बीच में आते रहते हैं, तो इसीलिए ये डेटा फ्लक्चुएट करता है और इस वजह से ही ये बच्चों पे अप्लाई नहीं होता, एडल्ट्स पे ही अप्लाई होता है। गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, सो एज वी वर स्टडीइंग द चैप्टर 1 ऑफ इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट, टुडे वी विल डिस्कस अ टॉपिक दैट इज ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, HDR also it is termed as HDR, and this Human Development Report is published by UNDP, UNDP that is also termed as United Nations Development Program. This report is published and you see it is termed as the best method to analyze development, to measure the development. Why it is termed as best measure to analyze the development is, in the previous topics you have studied about the World Bank criteria that was based on only per capita income. Now here we will discuss what United Nations say. Jo abhi tak aapne padha wo World Bank ki report thi per capita income pe, उस इनकम के बेसिस पे कंट्रीज को कैटेगराइज किया था नेशनल इनकम और डिवाइड करके अपॉन टोटल पॉपुलेशन, और उस बेसिस पे वो कैटेगराइज करते थे कौन सी डेवलप्ड कंट्रीज हैं कौन सी डेवलपिंग कंट्रीज हैं। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट की, तो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में मेजर जो फैक्टर्स हैं ये 3 क्राइटेरियाज हैं जिस पे ये किसी कंट्री के डेवलपमेंट को असेस करते हैं। दीज 3 पॉइंट्स और द क्राइटेरिया यू कैन से कि जिस बेसिस पे यूनाइटेड नेशन मतलब हमारा संयुक्त राष्ट्र जिस आधार पे कैटेगराइजेशन करता है वो मेनली सबसे पहला है लिविंग स्टैंडर्ड्स, जिसमें आपका पर कैपिटा इनकम आ जाएगा। सी इट इज पार्ट ऑफ डेवलपमेंट, पर कैपिटा इनकम इज नॉट अपार्ट फ्रॉम दैट कैटेगरी, पर कैपिटा इनकम और द इनकम इज ऑब्वियसली अ इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ डेवलपमेंट, बट नॉट ओनली द फैक्टर ऑफ डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशंस और अकॉर्डिंग टू ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। ये जो क्राइटेरिया ये बनाते हैं इसी क्राइटेरिया को ये बोलते हैं HDI, जिसको हम कहते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। और इस ह्यूमन डेवलपमेंट इस आधार पे जो कंट्रीज की रैंकिंग तैयार होती है वो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बेसिस पे होती है, वो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में आते हैं। तो सबसे पहला था कि पर कैपिटा इनकम, इन्होंने भी कंसिडर किया कि एक पार्ट है जो जिस बेसिस पर ये कैटेगराइज कर सकते हैं कि हाँ कंट्री वेदर इट इज डेवलप्ड और नॉट। सेकेंड इज हेल्थ स्टेटस, हेल्थ स्टेटस मीन्स जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है मतलब ये कि पहला पार्ट तो उन्होंने इनकम को लिया, इनकम को लेने के साथ साथ इन्होंने ये भी डिटरमाइन किया कि ऐसा तो नहीं कि सिर्फ इनकम ही अधिक है और हेल्थ कंडीशंस वहां पे बुरी हो, हेल्थ फैसिलिटीज बुरी हो, तो वो भी एक पार्ट है जो इनके इंडेक्स बनाने में काम आता है। उस बेसिस पर ये इंडेक्स कंट्रीज की इंडेक्स बनाते हैं कि कौन किस रैंक पर है, डेवलप्ड है डेवलपिंग है व्हाटएवर। और तीसरा है हमारा एजुकेशन लेवल, जिसमें लिटरेसी रेट भी आ जाता है। तो अब ये पूरे 3 क्राइटेरिया आपके सामने आ गए जिस बेसिस पे ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट यूनाइटेड नेशन से डेवलप की। पहला था लिविंग स्टैंडर्ड या पर कैपिटा इनकम, देन द हेल्थ स्टेटस,
एंड देन एजुकेशनल लेवल और यू कैन से दैट द लिटरेसी रेट, कि क्या लिटरेसी रेट है, क्या शिक्षा की व्यवस्था है, मतलब वो तीनों जब रैंकिंग आ जाएंगी तब जाके कहीं ना कहीं कंपेयर करना आसान हो जाता है कंट्रीज को, कि ओवरऑल इन सारी चीजों को, इन तीनों क्राइटेरियाज को लेके अब कंट्री की स्टैंडिंग कहां पर आ रही है वो उस इंडेक्स में उस अकॉर्डिंग आता है। एचडीआर के अकॉर्डिंग एक सरप्राइजिंग डेटा आपको बता दूं कि 2013-14 का जो डेटा है उस अकॉर्डिंग इंडिया की रैंकिंग जो थी वो 135 थी। दिस वॉज द रैंक ऑफ इंडिया इन ईयर 2013-14 अकॉर्डिंग टू एचडीआर। और इंटरेस्टिंगली अगर इस बेसिस के क्राइटेरिया पे जो यूनाइटेड नेशंस ने एनालाइज किया उस बेसिस पे श्रीलंका जो है वाज मच अहेड एंड वाज ऑन 73rd रैंक, मींस द अकॉर्डिंग टू ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स श्रीलंका इज अबव इंडिया। सो दिस इज हाउ ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट वेरीज फ्रॉम वर्ल्ड बैंक। आपको अगर डिस्टिंग्विश करने को भी कहा जाए सपोज किसी क्वेश्चन में या इस तरह के टॉपिक में, तो आप बहुत आसानी से आप डिस्टिंग्विश कर सकते हो कि वर्ल्ड बैंक क्लासिफाइज कंट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ इनकम और पर कैपिटा इनकम। वो सिर्फ और सिर्फ जो क्राइटेरिया अपने ध्यान में लाते हैं दैट इज इनकम, वेयर एज यूनाइटेड नेशंस जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट तैयार करती है उसके अकॉर्डिंग वो इनकम, हेल्थ स्टेटस एंड लिटरेसी लेवल, एजुकेशन लेवल जो है वो दोनों के बेसिस पे तैयार करता है और तब जाके ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स और रैंकिंग कंट्रीज की सामने आती है। नाउ सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट, सी वन थिंग इज वेरी क्लियर, आइदर इट इज अ डेवलप्ड कंट्री और अ डेवलपिंग कंट्री, जो भी डेवलपमेंट हुआ वट एवर द डेवलपमेंट हैज बीन डन इन बोथ दीज कैटेगरीज हैज बीन डन एट द कॉस्ट ऑफ यू कैन से एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। मीन्स कहीं ना कहीं से हम शोषण कर रहे हैं जो भी हमारे पास रिन्यूएबल या नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, एक्सेसिव यूजेज या एक्सप्लॉयटेशन उनकी जब हम करे जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो भी एक थ्रेटनिंग कंडीशन में पहुंचते जा रहे हैं, डेंजर कंडीशन में पहुंचते जा रहे हैं कि वो एग्जॉस्ट ना हो जाए। ये जो चीज़ है ये कहीं ना कहीं जैसे आप कह सकते हो एक्सेसिव एक्सट्रैक्शन ऑफ फ्रॉम माइनिंग, अब माइनिंग हो रही है, अब वो माइनिंग है सॉरी कोल है या आपका आयरन है, गोल्ड है, सिल्वर है, और या इसमें क्रूड ऑयल, इन सभी के एक्सेसिव एक्सट्रैक्शन से तेजी से हर देश आगे बढ़ना चाह रहा है और जिसका नतीजा ये निकल के आ रहा है कि कहीं ना कहीं हम एक तरफ अपने एनवायरनमेंट के कॉस्ट पे, आप देखिए एयर पोल्यूशन बढ़ चुका है, वाटर लेवल डिग्रेड हो रहा है, अराउंड 2014 के एक सर्वे के अकॉर्डिंग 300 डिस्ट्रिक्ट में लगभग 4 मीटर पानी नीचे चला गया, ग्राउंड वाटर जो हमारा बेसिक यूजेज में आता है वो इतना एक्सेसिव यूजेज होने लगा कि 4 मीटर डिग्रेड हो चुका है। इन द कमिंग ईयर्स वी ऑल्सो विल फेस द प्रॉब्लम इफ द सिचुएशन कंटिन्यूज इन द सेम मैनर। तो कहीं ना कहीं हमारे अत्यधिक दोहन से मीन्स ओवर यूजेज या एक्सप्लॉयटेशन के वजह से इस सब कामों के वजह से इसी के बेसिस पे डेवलपमेंट दिया जा रहा है और वो नतीजा निकल रहा है कि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं कर रहे हैं, वो हम एक तरह से एग्जॉशन के करीब पहुंच रहे हैं। तो इनके डिप्लीशन का खतरा तो है ही कि ये डिप्लीट कर जाएंगे ये सब अगर इस तरह से ओवर यूजेज होते रहा। दूसरा जो फैक्ट्रीज इस तरह से स्मोक जनरेट कर रही हैं वो भी कहीं ना कहीं हमारे एनवायरमेंट को हार्म पहुंचा रहा है, बहुत बुरी तरह से हार्म पहुंचा रहा है। तो अल्टीमेटली डेवलपमेंट शुड नॉट बी एट द कॉस्ट ऑफ आवर एनवायरमेंट और ना ही एट द कॉस्ट ऑफ ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज दैट आर प्रोवाइडेड बाय नेचर एस्पेशली द नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। नाउ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन तो आपने देख लिया पिछले टॉपिक में कि जब हम ओवर यूज करेंगे, एक्सेसिव यूज करेंगे, ओवर यूटिलाइज करने लगेंगे हम रिसोर्सेज को तो कहीं ना कहीं एनवायरमेंट डिग्रेड होगा। एंड दैट एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन जो मिसमैनेजमेंट की वजह से हो रहा है, जो मिसमैनेजमेंट की वजह से हो रहा है मीन्स हम कहीं प्रॉपर प्लानिंग के हिसाब से कोई काम नहीं कर रहे और रिसोर्सेज को यूज किए जा रहे हैं, मीन्स हम ज़्यादा से ज़्यादा एक्सेसिव उसका यूटिलाइजेशन किए जा रहे हैं और हम ये आगे के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच रहे हैं, तो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है। एंड दैट इज नॉट कन्फाइंड टू एनी स्टेट और नेशनल बाउंड्री, वो कहीं पे भी ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर एरिया,
कहीं पे भी अगर एनवायरनमेंट डिग्रेड होगा तो उसका इम्पैक्ट और इफेक्ट पूरे वर्ल्ड पे आना है। अगर क्रूड ऑयल रिजर्व जैसा कि अगेन फ्रॉम 2014 डेटा वी कैन फाइंड आउट, जैसे मैंने आपको ग्राउंड वाटर का भी बताया कि अगर आप इस बात पे ध्यान दो तो जो हमारा डेटा है 2014 का इकोनॉमिक बीपी सर्वे के थ्रू, वो ये कहते हैं कि जो क्रूड ऑयल का रिजर्व है ओवरऑल अगर एवरेज रिजर्व देखा जाए पूरे वर्ल्ड का तो दैट इज ओनली फॉर 53 ईयर्स फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। मिडिल ईस्ट में सबसे ज़्यादा 78 ईयर्स है, 12 टू 14 ईयर्स यूनाइटेड स्टेट्स में है, और ओवरऑल वर्ल्ड का एवरेज अगर उन्होंने निकाला तो दो वो निकल गया 53 ईयर्स का। इट मीन्स इफ दे विल फेस दैट एक्सेसिव जो प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू एक्सेसिव यूजेज ऑफ दैट नेचुरल रिसोर्स और द क्रूड ऑयल, दैट विल एक्चुअली बी अ वेरी नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द होल वर्ल्ड। तो इसलिए ये जो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन है इसको अगर सही किया जा सकता है तो वो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट से। A new term, I think you might have studied in science also, it is a topic there also, sustainable development का, कि balanced use, actually overall इसका sense यही है कि balanced use करें हम अपने resources का, minimum usage जो requirement है, सिर्फ हम minimum usage पे उसका ध्यान दें, या आप definition wise कह सकते हो कि इस तरह से usage करें, the resources should be used in such a manner that they fulfill the needs of the present also and they must remain for the future generations also, means अभी इस तरह की balanced usage की जाए resources की, planning के साथ एक management के साथ usage की जाए जिससे कि आज की हमारी ज़रूरतें पूरी हो जाएं sustainable development के through और वो भविष्य के लिए भी बची रहें। अगर वो बची रहती हैं तो obviously it means कि we are following the pattern of sustainable। So now once again, as a summary of sustainable development, I have written definition for you all, or the detail, a short detail of the topic, that sustainable development emphasizes on balanced economic development, or by not harnessing the resources, but also on long-term benefit, कि हम लंबे समय तक उसका उपयोग कर सकें और लाभ उठा सकें। ऐसा ना हो कि आज ही सारा इस्तेमाल करके खत्म कर दिया जाए और कल को हाथ खोल के खड़े हैं और परेशान है पूरा देश या पूरी दुनिया। By using resources at minimum level, so that future generations can also use it. So this is what the whole chapter describes about. और भी alternatives use किए जा सकते हैं, nuclear energy, wind energy, hydroelectrical energy. ये हमारे options हैं, solar energy धीरे धीरे usage में आ रही है, जहाँ पे कि हम जो pressure है crude oil पे या coal पे, इसको हम release कर सकते हैं। ये इसके options हैं जो जिसका इस्तेमाल करके शायद जो pressure है, जो ज़रूरत की चीज़ें वहाँ पर हम यूजेज को मिनिमाइज कर देंगे और फिर हमारी डिपेंडेंसी अदर सोर्सेज पे जब डिवाइड हो जाएगी तो वैसे भी प्रेशर घट जाएगा, तो ये एक उसके ऑप्शन में आ सकता है। सो दिस इज योर कंप्लीट चैप्टर ऑफ डेवलपमेंट वेयर वी स्टडीड अबाउट द डिफरेंट पीपल एंड डिफरेंट गोल्स एंड समटाइम्स दैट गोल्स ऑफ अ इंडिविजुअल इज कंफ्लिक्टिंग टू अदर ऑल्सो। देन वी यूज्ड वी स्टडीड अबाउट द इनकम एंड अदर क्राइटेरियाज कि इनकम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ डेवलपमेंट बट नॉट द ओनली फैक्टर, लाइक वर्ल्ड बैंक क्लासीफाइज द कंट्रीज ऑन पर कैपिटा इनकम, वेयर एज द यूनाइटेड नेशंस ऑन बेसिस ऑफ इनकम, हेल्थ स्टेटस एंड लिटरेसी रेट। देन वी हैव सीन हाउ द एनवायरमेंट इज डिग्रेडिंग ड्यू टू द एक्सेसिव यूजेज ऑफ द रिसोर्सेज एस्पेशली द रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। And at last we studied the topic sustainable development means using the resources in a very balanced manner at minimum level so it can be used by the future generations also. So now go through the videos of these topics and if you have doubt you are free to ask it anytime. Just go through the exercises, I will give you NCERT questions also after this. Write it properly and send it in the group at the prescribed time given by me. Thank you. Stay home, stay safe.